relationships will often end in disgust. And I know you are my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running, you funny, funny, you going हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जय जगन्नाथ। तो लगभग 2-3 महीने के बाद एक राइड पे मैं निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आज देवझोर वाटरफॉल। हालांकि जो सुमन, चिचिन, आशीष, पीयूष ये सब लोग बिजी थे, तो मैं और डब्लू, आई डब्लू, हम दोनों जा रहे हैं। लेकिन आज हम निकल कब रहे हैं 10 बजे, था कि हम लोग 7 बजे निकलेंगे, लेकिन लेट होते होते पूरा 10 बज गया। देवझोर वाटरफॉल जो है वो भुवनेश्वर से अराउंड 110 किलोमीटर से, तो 2.5 घंटा तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि सिंगल रोड है, अच्छा रोड है लेकिन सिंगल रोड है। पहले बहुत बार गया हूँ, 2015 से लेके 2023 तक शायद 7-8 बार जा चुका हूँ, कभी गया नहीं है ना। डब्लू के लिए पहली बार होगा, चले फिर। 3 बार प्लान किया, हर बार मेरा फेल हो जाता है, लेकिन इस बार प्लान फेल नहीं होगा, हम जाएंगे इस बार। बड़े दिनों के बाद फाइनल एक राइड पे, मज़ा आएगा आज, बढ़िया मौसम है, सनी, क्लाउडी, रेनी, तीनों चीज़ आज देखने के लिए मिलेगा। मौसम एक्चुअली लास्ट 2-3 दिन से ऐसे ही है भुवनेश्वर में। ये गाड़ी शायद मैं मतलब कितने दिनों के बाद निकाला हूँ, और मुझे तो डाउट हो रहा है कि मतलब ये स्टार्ट होगा कि नहीं, लेकिन स्टार्ट हो गया, एक ही बार में स्टार्ट हुआ। आओ डब्लू भाई, ना आज डब्लू भाई ने के साथ मेरा पहला राइड है, मतलब इधर आ, इसका गाड़ी आप लोग देख सकते हो। मुझे तो लगता है कि शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर लाइट किसी गाड़ी में लगा होगा तो इसी डोमिनार में लगा होगा, वह घर में से भी बल्ब बल्ब सब निकाल के इसमें लगा दिया है, वन ऑफ द मोस्ट लोडेड। हाँ डेफिनेटली यार, पूरा फुल, पूरा पैक पूरा। और डब्लू ज़्यादा प्रीफर करता है मतलब सोलो राइड में, लेकिन अब से वो नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ उसके लाइफ में, अब हम पार्टनर राइड करेंगे। ये जो स्क्रैम मेरा है इसको मैं एक्चुअली सेल पे रखा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और नंबर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा और पिन भी कर दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हो, मैं डब्लू का नंबर दूंगा एंड वो आपको कोऑर्डिनेट कर लेगा। ये गाड़ी मुझे बेचना इसलिए है क्योंकि मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, मतलब लास्ट जो स्पीति राइड में लेके गया था उसमें 5,300 किलोमीटर हुआ था वो पूरा राइड, उसके बाद से टोटल और 700 किलोमीटर चला है, 6,135, मतलब 6,135 टोटल चला अभी तक। ऐसे गाड़ी ना चला के अगर ऐसे ही घर में पड़ा रहेगा तो मतलब ख़राब हो जाएगा गाड़ी, तो इसलिए मैं इसको बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो नया गाड़ी है वो बहुत कभी भी आ सकता है, मतलब एट एनी मोमेंट वो मुझे कॉल कर सकते हैं कि गाड़ी आ गया, तो अभी फ़िलहाल कोई मतलब अपडेट नहीं है। अपडेट यही है कि भाई सर वो अभी थोड़ा ट्रांजिट में है, थोड़ा आने में टाइम लग रहा है, और बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ, और कोई इंटरेस्टेड है तो डू कॉन्टैक्ट मी। हम लोग कैसे जाएंगे, सीधा त्रिशूलिया होकर जाएंगे, नहीं कटक हाईवे में चलते हैं, बेटर रहेगा। हाँ पटिया की तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे, अच्छे वाला टायर में तो हवा कम है, कि दिखता वैसा है क्या। अरे काफ़ी दिनों के बाद गाड़ी चला के मज़ा आ गया, अरे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बॉक्स में बंद था, अभी मुझे बॉक्स से बाहर निकाला गया है। राइडिंग एक ऐसा चीज़ है, मतलब इट गिव्स यू फ्रीडम यार, मतलब एक जैसे आज़ाद पंछी होता है ना वैसे ही होता है राइडिंग, हर जो भी अपना टेंशन वेंशन सब निकल जाता है दिमाग से, मतलब कितना भी प्रेशर में हो कुछ भी हो, साला एक राइड पे निकल जाओ अच्छे सा एक राइड पे, बढ़िया सारा टेंशन दूर हो जाता है। वेदर लेकिन एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है, क्यों देख बारिश होने से क्या होता है, ठीक है मतलब बारिश का टाइम है, बारिश ना हो के ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो और ऐसे रहे अगर मौसम, तो मतलब
जबरदस्त रहेगा पूरा दिन अगर ऐसे ही रहे तो। यहाँ से जाना है लेफ्ट 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 सर्विस रोड ले। ओके मारपीट चल रहा है मारपीट मारपीट होटल टनल होटल में सफोकेशन होता है पता है इतना लंबा है मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई 10-12 किलोमीटर है शायद याद नहीं आ रहा है मतलब बहुत लंबा है लेकिन वो जब फर्स्ट टाइम एंटर किया वो होटल टनल में बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड होके मतलब अंदर चला गया फिर उसके बाद वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है मतलब एक पॉइंट में मुझे सफोकेशन हुआ। आजकल मैं कुछ मतलब ब्लॉगर्स लोगों को देख रहा हूँ मतलब हमारे ये उड़ीसा के भी कुछ ब्लॉगर्स में देख रहा हूँ उनका रील वगैरह सब आ रहा है मतलब मेरे फीड में आ रहा था मैं देखा कि मतलब वो लोग इतना लैंग्वेज यूज़ करते हैं मतलब फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ एंड ऑल ये सही नहीं है भाई तुम लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो मतलब यंगस्टर लोगों को और भद्दी भद्दी गालियाँ मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता है तो हाँ जेन्युइन कंटेंट रखो अगर कोई अच्छा पसंद करेगा तो अच्छा लगेगा और वो आगे भी 10 लोगों को जो फॉरवर्ड करेगा वो लोग उनसे कुछ मतलब हाँ चलो ये बढ़िया राइड कर रहा है कि कुछ कर रहा है कुछ नहीं सिटी के अंदर गाड़ी चलाओगे गोप्रो लगा दोगे माँ बहन करोगे क्या मतलब मिलता है उससे शुड भी मतलब खुद को शर्म आनी चाहिए मतलब घर वाले जब देखेंगे कोई रिलेटिव देखेगा क्या सोचेगा मेन चीज़ है यंगस्टर लोगों के ऊपर क्या मतलब तुम इन्फ्लुएंस दे रहे हो मतलब क्या बता रहे हो उनको ये सब भी बंद होना चाहिए बहुत बहुत दुख हुआ मुझे वो सब देख के ये है त्रिशूलिया त्रिशूलिया से फिर हमको जाना है सीधा जाना है ऐसे सीधा जाना है तो हम लोग लगभग 30 किलोमीटर आ चुके हैं 30-35 किलोमीटर आ चुके होंगे और ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स बैंकी ये रास्ता एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत रास्ता है आगे मतलब ये रोड ऐसे ही है दोनों तरफ ऐसे पेड़ रहेंगे यहाँ पे अभी थोड़ा आपको घर वर दिख रहा है आगे कुछ भी नहीं है पूरा एकदम ये महानदी है ना राइड वाला जो नदी है महानदी के ठीक बगल बगल में हम जाएंगे बढ़िया लगता है फुल ऑफ ग्रीनरी हाँ जबरदस्त लगता है वाला रोड एक फेवरेट प्लेस है जहाँ पे बहुत पहले मैं बहुत बार आया हूँ थोड़ा मतलब सिटी से आउटस्कर्ट में भी रहता है और वहाँ पे काफ़ी सुकून भी मिलता है एक मंदिर है और मंदिर के बगल में महानदी रिवर है और ये थोड़ा ये स्ट्रेच भी मिलता है थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होता है लेकिन ऐसे कार पकड़ के आने से 40 किलोमीटर के आसपास 40-45 किलोमीटर होता है और ये बढ़िया व्यू भी मिलता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ से राइट राइट ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये मंदिर है यहाँ पे फीस्ट वगैरह लोग करते हैं और देवी द्वारा एक्चुअली देवी द्वारा लिखा हुआ है ब्यूटीफुल लोकेशन यहाँ से मैं ऐसे नीचे चला जाता हूँ वो पत्थर के पास उधर से गाड़ी लेके उधर तक और मेरा भी बहुत फोटो है यहाँ पे मस्त लोकेशन है मु निंजा 1000 पूरी दी थी भाई तो कौन 220 कूच निंजा 1000 पूरा सी इधर पानी पहुँच अधिक अभी क्या पानी ज़्यादा हो गया है मतलब थोड़ा ऊपर आ गया है हाँ नहीं तो मैं पूरा और नीचे तक भी जा सकता है हाँ मछली भी पकड़ता है मछली भी लेके जा सकता है बढ़िया चले ओवरटेक कर दे
अबे देख भाई ये क्या है री री री। कुछ नहीं यार, ब्रिज दिख रहा है लेकिन बहुत दूर है भाई, और 2-4 किलोमीटर होगा। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाएंगे कि भूख लग रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जातो मुंडिया ब्रिज के एकदम नज़दीक, 2 किलोमीटर है यहाँ से और। एंड यहाँ पे कुछ खा लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगा, देन बारिश भी हो रही है। ना ना कुछ नहीं है, ले आ ले, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, अगर तेज़ होता है देन हम लोग रेन गियर भी पहन के यहाँ से निकलेंगे, बेटर रहेगा, खाना भी हो जाएगा, रेन गियर वगैरह भी पहन पाएंगे। ये क्या है भाई, ये तो अबे ये ब्रेकफास्ट नहीं है, लंच है। हम लोग रुके थे एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे और इस लाइन पे भी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। टाइम भी ऑलरेडी 11:30 हो चुका है, तो यहाँ पे चिकन और राइस वगैरह सब मिल रहा है, थोड़ा हल्का थोड़ा सा राइस थोड़ा सा चिकन खाएंगे और निकलेंगे। बाकी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हम देखेंगे अगर ज़्यादा तेज़ होने लगेगी तो फिर हमको रेन गियर पहनना पड़ेगा, नहीं तो इसे ही चलेंगे। और भाई साहब कैसा हो, हेंगू दे दिया आप हमको, हेंगू हेंगू कब भी आएंगे? अरे आप बोले हम बोरा खाएंगे, हम बोरा खाने के लिए दौड़ दौड़। चावल खाओ, बोरा क्यों खाओगे दोपहर के टाइम? चावल खा के हम यही नदी कुलों में सो जाएंगे। कुछ नहीं, थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ये शायद तो ये बूढ़ी घंटों हो गया, बूढ़ी घंटों ये आलू भरता और ये शायद रुक चुके हैं। गर्मा गर्म सारे घर बजे तुम लंच, ये इसको ब्रंच बोलते हैं, ब्रंच। और उसे मामा जी के घर में जब जाता हूँ तो गाँव में एक अलग टाइप का चिकन बनता है, तो एकदम वैसे कलर। कैम थे जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये पूरा अपना घर घर का खाना जैसा है। हाँ ब्रंच कर लेंगे, अच्छा है ना, और लंच का टेंशन भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे को वो राइस से बहुत प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा मत खा, थोड़ा सा खा, ज़्यादा क्यों खा रहा, थोड़ा सा खा। और ये चावल देखने से, हम मुड़िया घर का आदमी हूँ तो साला वो चावल देखने से रुकता नहीं, वो सब खत्म हो जाता है अपना। चुके हैं लेकिन 10 मिनट वेट करेंगे, अगर बारिश नहीं रुकता है तो रेन गियर पहनेंगे निकल जाएंगे। 10 मिनट वेट करते हैं, तो अभी बस खाना खाएं, 10 मिनट रेस्ट करते हैं, वेट भी करते हैं 10 मिनट, देखते हैं अगर बारिश नहीं रुकता है तो उसी बारिश में गाड़ी चलाएं। भाई साहब मौसम का मज़ा ले रहे हो? हाँ चलाने का बहुत इच्छा है, पहन ही लो रेन गियर, 10 मिनट नहीं रुकते चलते। बारिश तो छूट गई है लेकिन फिर भी आगे मुझे दिख रहा है कि एकदम डार्क क्लाउड दिख रहा है, तो कोई रिस्क नहीं लेंगे, रेन गियर सब पहन के निकलते हैं। माइक वाला गोप्रो निकाल दिया हूँ, नॉर्मल वाला लगाया हूँ, ऑन द गो जो भी होगा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे, अगर बारिश होता है तो बारिश भी थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। Relationships will often end in disgust, and I know you want my love, but it's not.
और 20-25 किलोमीटर है वो वाटरफॉल देवदूर वाटरफॉल। तो एक्चुअली थोड़ा रुके इसलिए क्योंकि अभी धूप हो रही है और जो रेन गियर पहन के पूरा हालत एकदम ख़राब, अंदर माइक्रोवेन के अंदर वैसे ही फील हो रहा था, डिहाइड्रेटेड फील हुआ, मतलब सफोकेशन भी लग रहा था। तो रेन गियर निकाल दिए हैं और ज़बरदस्त व्यू आपको दिखाता हूँ। This is the view. इससे और एक बार बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पब्लू भाई कैसा लग रहा है? पैसा बर्बाद भाई। ठीक, रेन गियर खोले, बारिश फिर पहन लेंगे, फिर धूप हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि मतलब पहनेंगे ही नहीं। चलो एक बार ट्राई करते हैं, इसे चलते हैं। अगर बहुत तेज बारिश होती है तो रुक के पहन। Relationships will often end in disgust, and I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I bleed nose running, be funny, funny. पहुंच गए हम देवझर। यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी रख के अभी हम अंदर जाएंगे। अंदर अराउंड 400-500 मीटर का ट्रेकिंग है, ज़्यादा नहीं है। पहले इतना ये सब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आप देख सकते हो, ये सब कुछ भी नहीं था। ये अभी मतलब बहुत हाईलाइटेड हो गया है। भुवनेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी, आज बहुत काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हैं। तो ये डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन आई होप कि अंदर कचरा ना कर रहे होंगे लोग। और पिछली बार जब आया था बहुत लोग लिटर किए थे, इस बार मुझे आई होप कि ऐसा नहीं हुआ होगा। और काफ़ी लोग आए हैं, अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी देखने के लिए। तो चले डब्लू भाई, एक्साइटेड? नॉट सुपर, ऑल दो इतना एग्जॉस्टेड हूँ कि मतलब एक्साइटमेंट अभी के लिए तो ख़त्म है मेरा। वाटरफॉल देखेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी हम गाड़ी लेके ऊपर जा सकते थे, लेकिन अभी पीछे आप देख सकते हो बैरिकेड कर दिए, और नहीं तो आराम से और 200 मीटर भी 100 मीटर जा सकते थे, 100 या 150, थोड़ा आगे हम लोग जा सकते थे। हेलो, कैसन लग रहा है? हालत खराब भैया। राइडिंग शूज में ट्रैकिंग करने में मजा कुछ अलग ही है। कंफर्टेबल लगता है, ऐसा नहीं? कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल। फॉर्मा का ये वाला शूज बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। वो राइडा वो सो आप लोग देख सकते हो कितनी गंदगी सब, यही चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आते हैं यहाँ पर, गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। उधर से भी घूम के आ सकता है, देख उधर से भी रास्ता है। वाटरफॉल दिख रहा है अभी भाई, थोड़ा देख कितने सारे लोग। हाँ वही तो देख लिया, एक ढंग का फोटो भी नहीं खींच सकते हम लोग। इससे बढ़िया तो हम लोग यही पानी के पास बैठ गए, वाटरफॉल में भी पानी बढ़िया तरीका है भाई। देखो कितना बढ़िया वाटरफॉल और कितना बेकार नज़ारा यहाँ पे। साल पहले पहली बार यहाँ पे आया था ना, पहले जी सिकंद आई था तब आया था, और ये जगह मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत लोगों को पता चल गया इस जगह के बारे में, और भीड़ ऐसा भीड़ वो भी दोपहर के 3 बजे, मतलब दिन भर में कितने लोग आए हैं यहाँ पे। बढ़िया लगा,
लेकिन मैंने बिहाइंड द सीन कोई देखना चाहिए, मतलब एक ही पैर में लटका पड़ा हूँ यहाँ पे। क्या जिंदगी है भाई, सुंदर जगह है। हाँ जगह सुंदर है, मेहनत भी सुंदर है। इतना भी मेहनत है, ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है। अरे भाई जिम जाने वाला बंदा है, चल के आ गया, क्या बड़ा बात है। बारिश शुरू होने से पहले भी निकल जाते हैं, चलो बेटर रहेगा। थोड़ा पानी में चले गए आगे, थोड़ा हाँ थोड़ा चलते हैं, निकल जाएंगे। ओके Time to go. सच बोलो भाई, देवझर आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। रीज़न था बहुत लोग थे वहाँ पे वाटरफॉल के पास, एक ढंग से हम फोटो भी नहीं खींच पाए क्योंकि इतने लोग थे, और ऊपर से इतना कचरा करके रखे हैं। और यहाँ पे जो लोकल थे, मैं उनको जाके थोड़ा कंप्लेन किया कि बोला कि भाई आप थोड़ा अंदर देखो, लोग ऐसे कचरा कर रहे हैं। तो वो बोले कि वो नेक्स्ट टाइम से वो देखेंगे और ऊपर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको जाके बताएंगे। और बाकी अंदर का रोड के लिए भी पैसा वैसा कुछ आया हुआ है, वो भी बन जाएगा बहुत जल्दी। तो Let's see. Bad relationships will often end in disgust, and I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई लोग। पहुंच गया मैं, ऑलमोस्ट घर पहुंच गया। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अगर पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो थोड़ा शेयर वेयर करो, ताकि ये चैनल डेड हो गया है तो उसको थोड़ा रिवाइव करना है, तो आप लोगों का हेल्प चाहिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो। लव यू ऑल। राइट सेफ, राइड विथ gears.